हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज है 28 सितंबर और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अभी। तो मेरे को लग रही है भूख, तो हमारे घर पे जो बना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे घर पे बना है ये कद्दू, कद्दू बना है कद्दू। तो मेरा बिल्कुल मन कर नहीं कर रहा है इसे खाने का, और मैंने खा भी लिया है ये। तो अब मैं बनाने वाला हूँ एक न्यू रेसिपी, मैंने अनलॉक करी है माइनक्राफ्ट की तरह की बोल। तो गाइस, मैंने एक न्यू रेसिपी अनलॉक करी है जिस रेसिपी का नाम है न्यू डबल रोटी पिज्ज़ा। तो गाइस, आ जाओ बनाते हैं डबल रोटी पिज्ज़ा। वेलकम टू आदित्य निषाद किचन। मैंने किचन भी खोल दिया भाई साहब। तो गाइस, अब मैं बनाने वाला हूँ अपना रोटी वाला डबल रोटी पिज्ज़ा। तो पहले मैं गैस ऑन कर लेता हूँ। सॉस वॉस मैंने यहाँ ले रखी है, और बाकी मैंने टमाटर और शिमला मिर्च भी काट ली। तो इसको थोड़ा सा मेरे को सेकना है थोड़ी देर, बस इतना सेकना है कि थोड़ा सा पापड़ पापड़ सा लगे, बाकी इतना भी नहीं सेकना कि बिल्कुल ही पापड़ हो जाए वो। तो इसके ऊपर घी डालूँ क्या डालूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या डालूँ। तेल तो नहीं डलेगा, घी डलेगा, तो घी डाल देते हैं फटाफट से। चलो तो पहले मैं इसे सेक लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने दोनों रोटी सेक ली है, देख सकते हो आप। तो पहले थोड़ी ढीली ढीली सी थी, अब मैंने थोड़ी टाइट सी हो गई है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इनमें डालने वाला हूँ ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले डालते हैं मेयोनीज। एक रोटी को मैं हटा देता हूँ, निकल देता हूँ, एक रोटी को डालूंगा पहले मैं। और गाइस, अगर आपको बाहर से कोई नॉइज़ आ रही हो तो उसे माफ़ थोड़ी देर इग्नोर कर देना। तो गाइस, ये मैंने मेयोनीज डाल दी थोड़ी सी और अभी तक तो मैंने सॉस वॉस लगा दी थी, अब मैं ये डालने वाला हूँ इसके ऊपर। तो पूरा पूरा नहीं डालूंगा, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के डालूंगा। पहले से निकाल लेता हूँ मैं इसमें से। ओ भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है यार ये। गाइस, पहले मैं ये डाल देता हूँ, जाओ एक सेकंड भाई रुको, हाँ सबर करो। तो अब मैं पहले टोमेटो और ये डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं अपना कैप्सिकम। अरे हाँ, कैप्सिकम तो बोल रहे भाई, मैं भी क्या कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ऐसे ही डाल देता हूँ, भर देता हूँ मैं पूरा अच्छे से। भाई चलो, तो ऐसे ऐसे रख देता हूँ। उसका जब मैंने ये भी कर लिया है, ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। तो अब इसके ऊपर मैं ये वाली रोटी भी रख देता हूँ। तो रेडी, गेट सेट गो। तो गाइस, लो रख दिया ये भी मैंने। अब इसको हमें डालना ओवन में, और ओवन में करता हूँ इसे थोड़ी देर के लिए, जो भी होता है गरम गरम, तो वो करते हैं, आ जाओ। तो फिर तो ओवन पे आप आ चुके हैं, और यहाँ से इसे ऑन करता हूँ, हो चुका है। अब इसको रख देता हूँ मैं इसमें, ले भाई थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। अब इसको करते हैं बंद, और इस पर लगा देते हैं टाइमर। गाइस, 130 मिनट्स का लगा दिया, अभी देखो होना शुरू हो गया। तो गाइस, ऐसा होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मतलब बन के रेडी हो चुका है, और एकदम टेस्टी भाई साहब, क्या लग रहा है ना यार ये। तो अब इसे टेस्ट करने वाला हूँ मैं। सो गाइस, देखने में तो कुछ ये ऐसा लग रहा है अंदर से, भाई क्या टेस्टी लग रहा है। गाइस, अगर आप कुछ खा रहे होगे ना, सच बता रहा हूँ, मुँह में पानी ज़रूर आया होगा। ओ भाई, पर गाइस ये कट नहीं रहा है, क्योंकि मैंने वो रोटी को थोड़ा टाइट कर दिया था ना,
तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं टेस्टिंग करूँगा। इतने में इसकी फ़ोटो वोटो खींच लेता हूँ थोड़ी बहुत। चलो भाई थोड़ा सा ठंडा करा है तो अब भाई साहब इसको थोड़ा इधर की तरफ से खाते हैं भाई, इधर सबसे ज़्यादा सही लगेगा। माय गॉड गाइस, नेक्स्ट लेवल बन गया भाई ये। तो गाइस अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और देख लो गाइस कैसा मस्त लग रहा भाई साहब ये। भाई बहुत अच्छा बना ये, बाकी मैं इसे थोड़ा सा और ठंडा करके खाऊंगा। तो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।